प्रभु के धन्य नाम को इस अनुग्रहित सुबह में महिमा मिलने पाए। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 6वां पद, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए कठिनाइयों के मध्य प्रार्थना इस संदर्भ के साथ आज के दिन का मनन प्रारंभ करें। जब हम परेशानियों में फंस जाते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, और चिंतित होने के कारण हम उस रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते जैसे हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर को हम अपने विषय नहीं बता पाते जैसे हमें बताना चाहिए, और इस वजह से हमारे विश्वास का जीवन संघर्ष में फंस जाता है। परमेश्वर अपना वचन भेजकर हम में से हर एक को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात को छोड़िए। यदि कोई एक अनचाही बात हमारे जीवन में घट जाए या फिर हमें देखने और सुनने को मिले, तभी विचारों का एक बहुत बड़ा समूह हमारे हृदय में आ जाता है। भयभीत करने वाली एक या उससे अधिक परेशानियां क्यों ना आए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि चिंतित मत होइए, चिंतित होकर प्रार्थना मत छोड़िए, परंतु उन सब विषयों को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ प्रस्तुत कीजिए और प्रार्थना कीजिए, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों हमें परेशानियों के बीच में चिंतित नहीं होना और प्रार्थना नहीं छोड़ना और प्रार्थना विषय धन्यवाद के साथ पेश करना है, यह समझाने के लिए बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो हम पढ़कर मनन कर सकते हैं। पहला, हम यह समझ सकते हैं कि जब हमारे आंसू बहते हैं तो परमेश्वर का हृदय पिघल जाता है। दूसरा, हमारे आंसुओं को परमेश्वर भूलते नहीं हैं, हमारे आंसुओं को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते बल्कि उसे कुप्पी में रखते हैं। तीसरा, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे प्रार्थना का उत्तर देते हैं। चौथा, परमेश्वर हम पर कृपा बरसाते हैं। अगला, हमारे बलहीन अवस्था में परमेश्वर हमें दैविक शक्ति प्रदान करते हैं। सभी कष्टों से हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, हमारे अंदर बल प्रदान करते हैं और धैर्य प्रदान करते हैं। किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए जरूरी शक्ति हमें प्रदान करने के लिए परमेश्वर हमें आत्मा से भरकर वो शक्ति देते हैं। ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। इसलिए भजन 138 उसका 3रा वचन, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज के परेशानियों में फंस कर, थक कर, नींव हिले हुए अवस्था में जब आप हैं, तो आपके पास शैतान आकर पिछले दिनों में प्रार्थना करने से क्या लाभ हुआ, इस प्रकार के सवाल आपके मन में लेकर आता है और यह इच्छा रखता है कि आपकी प्रार्थना थम जाए। परंतु आपको समझना है कि हर एक बार जब आप बिखर गए थे, आपका हृदय टूट गया था और आप लंबी सांसें लेकर जब रोते और बिलखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु को जब आपने पुकारा, तब क्या परमेश्वर ने आपको बल नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने आपको हियाव नहीं बंधाया? इसलिए विश्वास कीजिए, सभी चिंता और बोझ आपके हृदय से दूर हो जाएं। प्रार्थना और विनती करते रहें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अपने सभी विषय समर्पित करके आगे बढ़ें। आज के दिन का सामना करने के लिए अंदर से जो बल आपको चाहिए, वो परमेश्वर इसी क्षण इस वचन के सुनने जाने के द्वारा और विश्वास से आमीन बोलने के द्वारा आपको प्रदान कर रहे हैं। एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, जिस विषय से लोग दुखी और कष्ट में और चिंतित हैं, उस पर आपका हाथ कार्य करने पाए। प्रार्थना के साथ जो भी आपके मुख की ओर देखते हैं, उन हर व्यक्ति पर आपका बल और धीरज वर्षा के समान बरसाइए और बलवंत कीजिए। कितनी ही बड़ी परेशानियां क्यों ना आए, वे प्रार्थना करें और परमेश्वर को खोजें और स्थिर खड़े रहें। प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल अबंडेंटली। हैव अ ब्लेस्ड डे।